अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन चीज़ पराठा। इंग्रेडिएंट्स है 1 kg चिकन, 1 tsp लाल मिर्च पाउडर, 1 tsp धनिया पाउडर, 1 tsp हल्दी पाउडर, 1 tsp लाल मिर्च पाउडर, 1 tsp सॉल्ट, 1 tsp तिक्का मसाला। अब एक बॉल में जो चिकन का हमने कीमा बनाया था वो ऐड कर दें। फिर कीमे में सारे स्पाइसेस ऐड करें। वन टीस्पून सोया सॉस डालें। 2 tsp चिली सॉस ऐड करें। 2 tsp अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 30 मिनट तक मैरिनेट कर लें। अब एक प्याला आटा लें। फिर आटे में 1 प्याला मैदा ऐड करें। अब इसमें 1/2 tsp सॉल्ट ऐड करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 tsp कुकिंग ऑयल ऐड करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी डाल के आटे की तरह गूंथ लें। आटे पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं। गूंदने के बाद 20 मिनट तक मैरिनेट कर लें। अब एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल डालें। मैरिनेट हुई हुई चिकन को पतीले में डाल दें। चिकन को 20 मिनट तक लो फ्लेम में पका लें। 20 मिनट के बाद चिकन फ्राई हो चुकी है।
अब एक नॉर्मल साइज का पेड़ा बना लें। छोटी रोटी बेल लें। रोटी बेलने के बाद थोड़ा सा घी लगाएं। रोटी पे थोड़ी सी चिकन डालें। अब इसमें मोज़रेला चीज ऐड करें। चीज डालने के बाद पेड़ा बना लें। पेड़ा बनाने के बाद रोटी बेल लें। हमने तवे को पहले ही लो फ्लेम में गरम कर लिया था। अब हम इसके ऊपर पराठा फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह दूसरा पराठा भी ऐसे ही बना लें। Thank you.
आपकी मजेदार चिकन चीज पराठा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब चिकन चीज पराठे को केचप के साथ एंजॉय करें और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।